दिनेश, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, अभी मंत्रोच्चार भी हुआ, उस बारे में भी बताइए। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने योग मुद्रा में देखा और एक संतुष्टि और एक सहज भाव उनके दिल में भी होगा कि एक बहुत बड़ा कार्य उन्होंने आज पूरा किया है। बिल्कुल ज्योत्सना, याद कीजिए प्रधानमंत्री ने 72 घंटे पहले जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने शुरुआत की थी वेद मंत्र के साथ, संग गच्छध्वम सम वदध्वम तम्भो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। आज मुझे उनका वो भाषण यहाँ पर जब मैं तस्वीरें देख रहा हूँ तो याद आ रहा है। और उन्होंने जिस तरह से विश्व बंधुत्व की, दुनिया से परेशानियों को खत्म करने की, दुनिया से महामारी को खत्म करने की जो कल्पना वहां पर की थी, जो प्लान दुनिया को दिया था, आज प्रधानमंत्री मोदी अब उसकी पूर्ति के लिए शक्ति मांग रहे हैं, बल मांग रहे हैं, चेतना मांग रहे हैं। और जो देवेंद्र भी बता रहे थे कि किस तरह से एक्सटेंसिव प्लानिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, तो उसका यही ये एक स्रोत है, ये उनकी चेतना का एक स्रोत है, ये उनकी शक्ति का एक स्रोत है। और देखिए कितने सहज भाव से जमीन पर उन्होंने आसन बिछाया है, उस पर बैठे हैं, दोनों हाथ जोड़कर अपने आराध्य से ये कह रहे हैं कि आज अब भारत को विश्व गुरु बनाने का वक्त आ गया है, अब दुनिया जो इतनी बड़ी महामारी से जूझ रही है उससे निपटने का वक्त आ गया है। और देखिए कितनी अच्छी खुशखबरी मिली है कि कोवैक्सीन को WHO ने मान्यता दे दी है और भारत तो उस मान्यता से पहले ही 50 से ज्यादा देशों में कोवैक्सीन एक्सपोर्ट कर चुका है। और अब जो सबके कल्याण की कामना करते हैं और जिन उन सबके कल्याण के कामना करने की प्रेरणा जहां से आती है, उन शिव को इस वक्त प्रणाम कर रहे हैं, उन शिव स्वरूप को नरेंद्र मोदी प्रणाम कर रहे हैं। और इस जो जो जिस मूर्ति है, जो अब मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ और मेरे मन में बिल्कुल भावना उमड़ रही है कि अभी निकल पड़ो वहीं के लिए, तो ये जो मूर्ति है इसका तो आप जानते ही हैं कितना, किस तरह से प्रधानमंत्री ने इसको बनवाया, एक एक चीज इसकी देखी। और कुल मिला के नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मैं जो इतना देख रहा था कि यहाँ पर 225 करोड़ के काम नरेंद्र मोदी ने अपने नेतृत्व में अपनी प्लानिंग के साथ यहाँ पे करवा दिए हैं। न केवल एक समाधि स्थल बना है बल्कि इसके एक तरफ मंदाकिनी नदी है, दूसरी तरफ सरस्वती नदी है, दोनों के तटबंध बनवाए गए हैं, यहाँ पे तीर्थ पुरोहितों के लिए जगह बनवाई गई है, एक फैब्रिकेटेड शेल्टर यहाँ पर बनाया जाना है, वो सारे के सारे काम यहाँ पे नरेंद्र मोदी स्वयं उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, स्वयं मीटिंग लेते हैं। अपने प्रधान सचिव को उन्होंने एक महीना पहले यहाँ पर भेजा था, उन्होंने उसकी रिपोर्ट ली थी। और यही एक वजह है कि आज जब हम देख रहे हैं दिवाली के दूसरे दिन पूरे देश में गोवर्धन पूजा की धूम है, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी यहाँ पर इस वक्त पूजा कर रहे हैं। आपने जिक्र किया था किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने जो आदि शंकराचार्य की हम ये प्रतिमा देख रहे हैं इसमें इन्वॉल्व थे, तो यहाँ पर जो अरुण जो कि इसके अरुण योगीराज जिन्होंने कि इस मूर्ति को बनाया है, जो कि कलाकार हैं, शिल्पकार हैं और मैसूरू के हैं, और आपको बता दें कि बहुत ही युवा कलाकार हैं और उन्होंने अपने अलग अलग पीढ़ी, उनके जो 5 पीढ़ियां हैं वहां पर जो मैसूरू के राजघराना है वाडियार, उनके साथ वो जुड़े रहे हैं, उसी परिवार से वो आते हैं और 5वीं पीढ़ी है जिन्होंने इस मूर्ति को बनाया है। और बताया जा रहा था कि वो बहुत सोच रहे थे कि जब ये उन्होंने ये उनको मिला, और क्योंकि उनको मॉडल बना के भेजना पड़ा था, 2 फीट का उन्होंने मॉडल बनाया था, उसके बाद जब उनको ये काम करना था तो बहुत वो थोड़ा सा डरे भी हुए थे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यानी PMO लगातार इस पर नजर रख रहा था और हर महीने बाद इसकी ना डिटेल्स लिए जाते थे कितना काम हुआ है। 9 महीने लगे इस पूरे मूर्ति को बनाने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी खुद इन्वॉल्व रहते थे, हर एक परत को देखते थे और इसके लिए बहुत रिसर्च भी किया गया था, अलग अलग मठों में गया जाया गया और जो अरुण जो कि इसके मूर्तिकार हैं उन्होंने काफी रिसर्च किया और उन्होंने कई जगह पे जाके उन्होंने पौराणिक जो आपके जो हमारे कहते हैं ना कि पोथियां होती है, जो हमारे किताबें हैं उनको पढ़ी है, ग्रंथों से जाके उन्होंने बहुत सारी चीजें निकाली, उसके बाद उन्होंने इसको आकार दिया। तो इसके पीछे ऐसा नहीं है कि बस तैयार हो गया, इसके पीछे बहुत लंबी प्लानिंग चली है, 9 महीने का वक्त पूरा लगा है जिसके बाद जाकर आप ये कृष्णा शिला से तैयार हुआ ये खास आप देख रहे हैं प्रतिमा को देख रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसको लाया कैसे गया, आप सोचिए, क्योंकि ज्योत्सना इसलिए समझ सकती है क्योंकि ज्योत्सना उत्तराखंड से आती है, क्योंकि मैसूरू से चमोली तक ये बाय रोड पहुंचा, ये मूर्ति को बाय रोड लाया गया चमोली तक और फिर चमोली से फिर चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए उसको पहुंचाया गया केदारनाथ धाम में जहां पर इसे स्थापित किया गया है। अच्छा, क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं कृष्ण शिला का, दिनेश आप तो लगातार यहाँ गए हैं केदारनाथ, तो ये जो प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है क्या ये वही कृष्ण शिला है जो हम कोयम्बटूर में आदि योगी की प्रतिमा में भी उसके इस्तेमाल में देखते हैं, क्या ये दोनों सेम है?
देखिए दोनों ही प्रतिमाएं अपने आप में बड़ी विहंगम है। जो हम कोयम्बटूर में देखते हैं वो भी ठीक इसी तरह से दिखती है, और यहाँ का तो जो शानदार वर्णन अभी अमित ने किया किस तरह से ये प्रतिमा बनाई गई। मैं एक चीज यहाँ पे जोड़ना चाह रहा था अमित ज्योत्सना कि देखिए मैसूर में मूर्ति बनी केदारनाथ में स्थापित हुई, केरल के शंकराचार्य केदारनाथ में आके पूजा करते हैं। भारत को आध्यात्मिक एकता के सूत्र में बांधने वाले शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ में है, पैदा हुए केरल में, समाधि है केदारनाथ में। तो वो लोग जो ये कहते हैं कि भारत का एकीकरण 1857 के बाद हुआ, उन्हें इन तस्वीरों को आज फिर से देखना चाहिए, उन्हें इसे फिर से जानना चाहिए कि भारत की आध्यात्मिक एकीकरण केवल 1857 के बाद नहीं हुआ, भारत के आध्यात्मिक एकीकरण का सबसे बड़ा गवाह केदारनाथ है, सबसे बड़ा गवाह बद्रीनाथ है, जहां आज भी पुजारी केरल के ही होते हैं। बिल्कुल, केरल के ही रावल वहां पूजा करते हैं, केरल के ही जो मुख्य पुजारी होते हैं उन वही एक तरह से ऑथराइज पुजारी हैं। और कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं वो उनकी तबीयत खराब है या वो फिजिकली मौजूद नहीं है, तो उस स्थिति में भी अमित उस गद्दी पे कोई नहीं बैठता है। जो वहां के स्थानीय पुजारी हैं वो पूजा अर्चना जरूर करते हैं, लेकिन वो जो स्थान दिया गया है वो केरल के पुजारी को ही दिया गया है, उन्हें रावल कहा जाता है। तो आध्यात्मिक एकता में तो हमारा देश हजारों वर्षों से बना हुआ है। आपसे मैं बस एक चीज जानना चाहता हूँ, आप जो बता रहे हैं मैं उस बारे में थोड़ा और जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपको आपको इस बारे में काफी अच्छा खासा नॉलेज है, ज्ञान भी है। चार पीठों की स्थापना की थी आदि गुरु शंकराचार्य ने, जिसमें मैसूर में श्रृंगेरी पीठ था, जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ, द्वारका में द्वारका पीठ तैयार हुआ, और बद्रीनाथ में ज्योति पीठ। तो इस तरह से उन्होंने इस चार पीठों की स्थापना की, और इन चार पीठों के जरिए आप समझे कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कटक से अटक तक उन्होंने 8 साल की उम्र में आदि शंकराचार्य संन्यास की ओर चले गए थे, और अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक और अटक से लेकर कटक तक पूरा का पूरा जो इलाका था भारतवर्ष का था उन्होंने इसमें यात्रा की, और यात्रा करके चार पीठों की स्थापना करके उन्होंने पूरे देश को भारतवर्ष को जोड़ा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।